एक बार फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आप अच्छे टीचर से नहीं पढ़ रहे बेटा, आप सबसे अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक? आओ, क्वेश्चन नंबर 21। आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं, आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको देखते हैं। अमर एंड अकबर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट शोड जनरल रिजर्व ऑफ ₹60,000। डन। 31 मार्च 2023 को उनका रेशियो था 2:1 और उनके अकाउंट में, सॉरी, उनके जनरल रिजर्व में कितना पैसा है? 60,000 है। डन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ये पार्टनर आज इसको बांटना चाहे, आज के आज, तो अमर को कितने पैसे मिलेंगे? 40। और अकबर को कितने मिलेंगे? 20। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमर टू अकबर। लेकिन बांटने के बाद क्या जनरल रिजर्व कभी भी बुक में दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्वेश्चन क्या कहता है? बोला, इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। बेटा, अब आप मुझे बताना कि आपको ये दोनों केसेस आते हैं या नहीं आते, मतलब मैंने अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। पहला, वेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन। अगर नॉट टू बी शोन है तो मतलब क्या करना है यहां पे? अगर मैं चाहता हूं इसको शो ना करूं बुक में, जनरल रिजर्व अब बुक में ना दिखे, तो क्या करें? इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। लेकिन सेकेंड केस क्या कहता है? वेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन, अगर ये लोग अकाउंट में दिखाना चाहते हैं तब क्या करेंगे? तब क्या होगा बोलो ना सर? इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। बोलो, समझ में आया क्या? अब बेटा, मैंने आपको कराए थे केसेस बेटा, जहां पे बोला था प्रॉफिट के अंदर दो ऑप्शन थे, ऑप्शन वन ऑप्शन टू। बताओ ये केस वन कौन सा है, ऑप्शन वन या ऑप्शन टू? सर, ये है ऑप्शन वन। और ये क्या है सर? ऑप्शन टू। बोलो सर, हो जाएगा या मैं करूं? अरे, हो जाएगा या मैं करूं? कह रहा हो जाएगा, ठीक है, आप भी करो मैं भी करता हूं। आओ सर, दोनों लोग करते हैं बेटा। आओ सर, सबसे पहले हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? हम लोग केस वन कर रहे हैं सर। केस वन में ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, सारा जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बांट दो। सर आओ, बांटेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कितने पार्टनर थे बेटा? जाओ जरा क्वेश्चन में देखें तो दो पार्टनर थे बेटा, अमर और अकबर। और इनका ओल्ड रेशियो क्या था बेटा? 2:1। टू अमर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखूंगा? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। बताओ सर, कितने का था? 60,000 का जनरल रिजर्व था, ओल्ड रेशियो इनका 2:1 था, तो 40,000 और 20,000 में बट जाएगा। बोलो सर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर पक्का पक्का आ रहा है। लेकिन केस टू में ये लोग क्या करवा रहे थे सर? केस टू में कह रहे हैं कि सर जनरल रिजर्व का नाम भी ना आ जाए। क्या कह रहे हैं? जनरल रिजर्व का नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए बाहर। अगर जनरल रिजर्व का नाम बाहर नहीं आना चाहिए तो हमें इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओ मैडम, ऑप्शन टू के हिसाब से इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। अब इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले बताओ ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो है सर 2:1। न्यू रेशियो कितना है बेटा? अरे न्यू रेशियो बोलो ना, 3:2। अब जरा इसमें निकालना कि अमर को फायदा हो रहा है कि नुकसान। सर अमर का ओल्ड रेशो, अमर का न्यू रेशो, जरा इसको सॉल्व करना, तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1/15, पॉजिटिव का ना बेटा, 1/15। तो हम इसको क्या मानेंगे? सेक्रीफाइस। अगर इसका सेक्रीफाइस आ रहा है तो अकबर का क्या आएगा? अकबर का आएगा सर गेन, वो आ जाएगा माइनस का। अब जनरल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है?
जनरल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो उसमें गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो सर अकबर को डेबिट कर दो, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या लिखूंगा? बीइंग एडजस्टमेंट मेड। अच्छा, अब जनरल रिजर्व था कितने का बेटा? 60,000 का, और एडजस्टमेंट कितने की होगी? 15 की, तो कितना आ रहा है? 4,000। तो यहां पे कितना आएगा सर? 4,000। बोलो समझ में आया या जाने दिया? नलायक बच्चों, नलायक बच्चों बोलो समझ में आया क्या? अगर समझ में आया बेटा तो आपको पता है कि क्या करना है। आओ सर।